हेलो एवरीवन, आज हम साइंस का लेसन 2 सीखेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। लेसन शुरू करने से पहले आपको इस लेसन से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होने चाहिए, जो मैं अभी अज्यूम करता हूँ कि आपको पता है, जैसे आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या फिर रिएक्शंस क्या होते हैं। अगर जस्ट इन केस नहीं पता है तो आप अपने डाउट्स मुश्तक या विक्रम सर तक पहुंचाइए, तो हम उनको क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो अब लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज एसिड। एसिड इज अ मॉलिक्यूल और आयन केपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन्स। इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एसिड्स बेसिकली होते क्या हैं? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयन्स जो प्रोटॉन्स को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर इसे और इजीली लर्न करना है आपको या समझ में रखना है, ध्यान में रखना है, तो ऐसे ध्यान में रखना है कि एसिड्स हमेशा हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अब। फर्स्ट इज ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। जब भी आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड्स में इमर्स करते हैं तो वो लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है। सेकंड इज टेस्ट उनका सावर होता है, यानी कि खट्टा होता है, फॉर एग्जांपल लेमन्स। एसिड करोड्स मेटल्स को करोड करता है, करोजन में एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है वो, एंड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन्स आर फॉर्म्ड। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की। सेकंड थिंग इज बेस। बेस इज अ केमिकल दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट प्रोटॉन्स और रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन मीन्स जो सॉल्यूशंस वाटर बेस्ड हैं। तो बेस जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, वेयर एज एसिड प्रोटॉन्स डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके अलावा बेस प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, या फिर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आयन्स अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन्स क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करता है। टेस्ट बिटर, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है इसका। बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन्स क्रिएट होते हैं, नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन्स, एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो कॉस्टिक होते हैं। तो कॉस्टिक का मतलब भी बता देता हूँ। कॉस्टिक अ सब्सटेंस एबल टू बर्न और डिस्ट्रॉय थिंग्स बाय केमिकल एक्शन। जो सब्सटेंसेस बर्न करने के काम आते हैं या केमिकल एक्शन के थ्रू सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं। तो ये रहे प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस के। दोनों में डिफरेंस भी यही कंसिडर करना है आपने। नेक्स्ट थिंग इज एसिड्स रिएक्शन विथ मेटल्स। एसिड मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट होता है? तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस में मेटल्स नॉर्मली हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस कर देते हैं एसिड से, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इसके साथ ही सॉल्ट भी फॉर्म होता है। आपने इसके पहले लेसन में सीखा है कि केमिकल रिएक्शंस किस टाइप्स के होते हैं। तो उसमें एक टाइप आपने सीखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेसिकली जब एसिड्स और मेटल्स रिएक्ट होते हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एंड जिसमें मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं एसिड में से, एंड सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो जनरल रूल की तरह हम इसे यूज़ करेंगे अब, कि एसिड प्लस मेटल ऑलवेज फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। उसका एक एग्जांपल लिखा हमने यहाँ पे, 2HCl प्लस Fe गिव्स FeCl विच इज़ अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, जो इवॉल्व हो रहा है उस रिएक्शन से। नेक्स्ट इज एसिड्स रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स।
सारे मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो है वो रिएक्ट होते हैं एसिड्स के साथ, और उन रिएक्शन से अगेन हमें सॉल्ट मिलता है। बस हाइड्रोजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है एंड H2O यानी वाटर मिलता है हमें। सो जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है उसका कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे आप तो आपको पैटर्न समझ में आएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन होता है जब एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ मिक्स होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो एग्जाम्पल है गिवन, अगेन स्टडी करेंगे आप एग्जाम्पल को क्योंकि अब आपने ऑलरेडी इक्वेशंस का वर्कशीट कंप्लीट किया हुआ है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इज एसिड एंड बेस रिएक्शंस। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तो एक तो हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, और इसमें क्योंकि एसिड एंड बेस दोनों है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जनरल इक्वेशन गिवन है, अगेन बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। आप इन तीनों तरह के, चारों तरह के जो भी रिएक्शंस हमने अभी तक देखे हैं उनके एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए अच्छा एक्सरसाइज होगा इन चीज़ों को लर्न करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। इन दिस टाइप द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व्स एंड सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इन रिएक्शंस में मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं। जनरल इक्वेशन इज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है Fe2O3 प्लस HCl गिव्स FeCl3 प्लस H2O। FeCl3 इज द सॉल्ट एंड अगेन वाटर फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस। बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स भी जब बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, वेयर एज जब मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट होते हैं तो भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है वाटर के कॉन्टैक्ट में आए तो, ये हम ऑलरेडी एसिड की डेफिनेशन में भी समझ चुके हैं। एंड बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर जो कि एनायंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मिक्सिंग वाटर विथ एसिड और बेस। तो जब आप एसिड के साथ या बेस के साथ वाटर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। आप वाटर के साथ एसिड या बेस को जब मिक्स करते हैं तो वो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब आप उन चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उस रिएक्शन से हीट जनरेट होती है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। आप एसिड या बेस के साथ वाटर को मिक्स करते हैं तो जो नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होते हैं उस कंपाउंड में, क्योंकि आप वाटर डाल रहे हैं, वाटर में वो डिजॉल्व होने लगता है एंड जो नंबर ऑफ आयंस हैं फॉर अ सर्टन वॉल्यूम वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे आपके सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन वीक हो जाता है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेट टू बी डाइल्यूटेड। इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल आप घर में देखते हैं, लेमन, लेमन जूस अगर आप बहुत कम पानी में डालते हैं तो ज़्यादा सावर टेस्ट होता है वो, जब आप पानी मिक्स कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा
तो सावरनेस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशंस। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस। तो जो एसिड या बेसिस की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयंस आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जो एसिड्स हायर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। सिमिलरली जो हाइड्रोक्साइड आयंस को ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं उन केमिकल्स को हम बेसिस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कहते हैं। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल इज़ यूज्ड। तो इस मेजरमेंट के लिए एक स्केल होता है, उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। यहाँ पे पी जो है वो एक जर्मन वर्ड है, पोटेंस कहते हैं उसे, पावर दैट मीन्स, सो पावर, एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। सो कितने पावर का हाइड्रोजन आयंस उस सब्सटेंस में अवेलेबल है ये बेसिकली हम उस स्केल पे मेजर करते हैं। तो एज यू कैन सी ये ग्राफिक अगर आप देख रहे हैं सामने, तो 0 to 14 ये स्केल वर्कआउट होता है। 7 से बिलो जो भी नंबर्स हैं वो एसिड इंडिकेट करते हैं, एंड अबव 7 अल्कलाइंस या फिर बेस रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अभी इस चार्ट में आप देख सकते हैं 1 पे है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स एच सी एल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स। एंड जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे 2, 3, 4 आपका एसिड जो है वो कम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। 7 जो है वो है आपके वाटर या ब्लड का पीएच लेवल। दिस इज द न्यूट्रल लेवल। यहाँ पे सब्सटेंसेस ना ज़्यादा ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। अब देखते हैं ये पीएच वैल्यू एवरीडे लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है, या इसका यूज क्या होता है हमारी लाइफ में। ह्यूमन बॉडीज वर्क इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो हमारी बॉडी के फंक्शंस जो है वो सारे 7 से 7.8 की रेंज में जो पीएच वैल्यू है उसमें ही होते हैं। तो फॉर एग्जांपल वाटर एंड ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है बॉडी के लिए, दोनों की पीएच वैल्यू अराउंड 7 होती है। देन पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज, वो होता है अराउंड 6 to 7। ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो डाइजेशन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है एचसीएल, अगर ये बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाए बॉडी में तो एसिडिटी होती है। तो इसके लिए आपको पता है आप ओवर द काउंटर इनो खरीद सकते हैं, इनको एंटासिड्स भी कहते हैं। इनो आपको एग्जांपल पता होगा इसलिए यूज कर दें। द नेक्स्ट थिंग इज टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। दैट मीन्स माउथ में जब एसिडिक सब्सटेंसेस फॉर्म होने लगते हैं तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो इसी का रीज़न है कि जो हमारे टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं वो सारे अल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस लेसन इज सॉल्ट्स। सॉल्ट्स बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलता है हमें, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है एसिड में जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है किसी मेटल से। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो फॉर्म होते हैं वो
एसिडिक होते हैं, मतलब उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, एंड सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से फॉर्म होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, अल्कलाइन होते हैं जिनका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है। तो लेसन में जितने भी कॉन्सेप्ट थे थियोरेटिकल वो हमने कवर किए हैं आज यहाँ पे। अगेन दिस वीडियो लेक्चर वो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये लेसन जो है अभी जो हमने वीडियो लेसन किया इसमें सिर्फ हमने थ्योरी पार्ट पे फोकस किया है। ये थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये अगर आपको समझ में आते हैं ठीक से तो बाकी पार्ट्स करना थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए पहले आप इसको अभी रीड करेंगे लेसन को, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं इससे रिगार्डिंग वो हमें मुझे या विक्रम सर को आप भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।